गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो अपना करंट अफेयर का सेशन चल रहा है डेली, जिसके अंदर आपको एक वीडियो डेली जिसके अंदर अपलोड हो रहा है इस चैनल के अंदर, तो उसका दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर का सेशन दोस्तों आज का अपना 20 जनवरी 2020 का सेशन दोस्तों शुरू करते हैं अपन। और शुरू करने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए मोटिवेशनल लाइनें, मत बैठ आसिया में परों को समेट कर, मत बैठ आसिया में परों को समेट कर, कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ान का, कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ान का। मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आपको बैठे नहीं रहना है, आपको कड़ी मेहनत करनी है। और दृढ़ निश्चय के साथ यदि आप मेहनत करते रहोगे तो आपको दोस्तों सफलता ज़रूर मिलेगी। इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ दोस्तों आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों 18 जनवरी का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे था कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है। अनिवार्य जातीय एकता विधेयक दोस्तों कौन से देश ने दोस्तों हाल ही में पारित किया है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत। तिब्बत ने दोस्तों अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है। तिब्बत पीपल्स कांग्रेस ने हाल ही में जातीय एकता एथनिक यूनिटी को अनिवार्य करने वाला एक विधेयक पारित किया है, जिसे 1 मई 2020 से लागू किया जाएगा। कब से लागू करेगा दोस्तों तिब्बत इसको? 1 मई 2020 को इसको लागू करेगा। 1 मई दोस्तों ध्यान रखना मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को दोस्तों मजदूर दिवस मनाया जाता है। और ये 1 मई 2020 को तिब्बत इस विधेयक को लागू करेगा, 1 मई 2020 से। इस विधेयक में कहा गया है कि चीन प्राचीन समय से ही तिब्बत का अभिन्न है, जिसमें इसमें कहा गया है कि यह सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश में अलगाववाद की भावना के विरुद्ध एकजुटता का प्रदर्शन करें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो दोस्तों ध्यान रखना है अपने रक्षा मंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप की 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया? वह कौन सी तोप है दोस्तों जिसकी 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, K9 वज्र। K9 वज्र की 51वीं यूनिट को दोस्तों सेना में शामिल किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 जनवरी 2020 को K9 वज्र T तोप की 51वीं यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे नवंबर 2018 में सेना में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया? तो दोस्तों इसको नवंबर 2018 में इसको दोस्तों शामिल किया गया था। K9 वज्र तोप कोरियाई सेना द्वारा उपयोग किए जा रहे K9 थंडर का ही एक प्रकार है। इस तोप का वजन 50 टन है और यह 47 किलोग्राम के गोले 43 किलोमीटर की दूरी तक दाग सकती है। 47 किलो के गोले जो है दोस्तों वो ये 43 किलोमीटर की दूरी तक ये दाग सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों अपना, BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है। दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कुल कितने खिलाड़ियों का नाम शामिल है? दोस्तों होता क्या है कि जो BCCI है वो जो ये क्रिकेटर है उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दोस्तों उनको जो पैसे देने होते हैं, उनको जो रुपीज़ देने होते हैं कि किस खिलाड़ी को हम इतने साल, एक साल के लिए अपन कितने पैसे देंगे, कितने रुपए देंगे। एक प्रकार से आप ऐसे समझ लो कि उनकी जो सैलरी फिक्स करती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं। तो उनको कितने खिलाड़ियों की दोस्तों इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 27 खिलाड़ियों को दोस्तों इन्होंने इसमें शामिल किया है। देखते हैं क्या क्या होता है दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों BCCI ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को केंद्रीय अनुबंध BCCI कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। बाहर करने का मतलब है दोस्तों क्यों बाहर कर दिया है? क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय से महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से दूर है, तो इस वजह से दोस्तों इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा है, क्योंकि वो हाल फिलहाल क्रिकेट से दूर है। ये कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के लिए लागू होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा पीरियड जो है 12 महीने का, ये इनका अलग से मतलब ना तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है, ना ही कैलेंडर ईयर के हिसाब से है। इनका अक्टूबर 2019 से शुरू हो चुका है और सितंबर में दोस्तों ये ख़त्म हो जाएगा। BCCI ने दोस्तों 4 ग्रेड रखी है। BCCI ने क्या किया दोस्तों,
इसमें चार ग्रेड रखी है, ग्रेड ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ए प्लस, ए, बी और सी ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड दोस्तों इन्होंने ये रखी है। किस किस हिसाब से दोस्तों रखी है आइए देखते हैं। बीसीसीआई की ए प्लस कैटेगरी में भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान जो दोस्तों जो ए प्लस कैटेगरी है इसकी जो सबसे टॉप की कैटेगरी है ए प्लस, उसमें दोस्तों इन्होंने किन तीन खिलाड़ियों को रखा है, कौन से तीन खिलाड़ी? भारतीय कप्तान विराट कोहली और भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा और जो अभी हाल ही में जो भारत के नंबर एक तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, इन तीन खिलाड़ियों को दोस्तों इन्होंने ए प्लस कैटेगरी में रखा है। वही दोस्तों इन्होंने ए कैटेगरी में 11 खिलाड़ी रखे हैं, बी कैटेगरी में 5 खिलाड़ी रखे हैं और बाकी के दोस्तों सी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो ए प्लस कैटेगरी में सिर्फ तीन खिलाड़ी रखे गए हैं जिनको दोस्तों सालाना 7 करोड़ रुपये फिक्स किए गए हैं, और जो ए कैटेगरी होती है उसमें दोस्तों सालाना 5 करोड़ रुपये इनको दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए दुर्लभ रोग नीति मसौदे के अनुसार सरकार दुर्लभ बीमारियों के इलाज हेतु ज़रूरतमंद लोगों को कितने रुपए की सहायता देगी? दोस्तों केंद्र सरकार ने एक दुर्लभ रोग नीति का मसौदा तैयार किया है, तो उसके अनुसार दोस्तों आपको बताना है कि ये ज़रूरतमंद लोगों को कितने लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाएगी। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 15 लाख, 15 लाख रुपए की दोस्तों ये इनको सहायता उपलब्ध करवाएंगे। सरकार द्वारा दोस्तों हाल ही में जारी दुर्लभ रोग नीति मसौदे के अनुसार दुर्लभ बीमारियों के एक मुक्त इलाज के लिए ज़रूरतमंद लोगों को राष्ट्रीय कासे मिलेगा दोस्तों, ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। राष्ट्रीय आरोग्य निधि आयोग, सॉरी, राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत 15 लाख रुपये, योजना का क्या नाम है? राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना में इसको इनको 15 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों अपना, उस केंद्रीय शासित प्रदेश का नाम बताना है आपको जो पहली बार खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन की मेज़बानी दोस्तों कौन सा देश, कौन सा राज्य, सॉरी, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है जिसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। लद्दाख दोस्तों पहली बार खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है जिसका उद्देश्य है क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहली बार खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में, आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में आईसीसी महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? आईसीसी महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एलिसे पेरी। एलिसे पेरी को दोस्तों आईसीसी महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित कर दिया है? दोस्तों इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जी सेट 30 को प्रक्षेपित किया गया है। जी सेट 30 दोस्तों इनसेट 4A की जगह लेगा तथा उसकी कवरेज क्षमता अधिक होगी। इनसेट 4A को साल 2005 में लॉन्च किया गया था। जी सेट 30 इसरो का डिज़ाइन किया हुआ सबसे बढ़िया और सबसे ताकतवर संचार उपग्रह माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, उस कृषि वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में कृषि के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए मुप्पावरपू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दोस्तों मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कृषि क्षेत्र में उनके दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। दोस्तों डॉक्टर स्वामी एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भारत बांग्लादेश सूचना प्रसारण मंत्रियों की बैठक जो 2020 में आयोजित की गई है वो कौन सी जगह आयोजित की गई है। भारत बांग्लादेश सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में दोस्तों भारत और बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। क्या किया गया दोस्तों इस बैठक के अंदर, भारत और बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक 2020 नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने प्रसार भारती और बांग्लादेश रेडियो बेतार के बीच कार्यक्रमों के आदान प्रदान से संबंधित समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों जो भारतीय रेडियो है प्रसार भारती और जो बांग्लादेश का रेडियो है रेडियो बेतार, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप हमारे चैनल का प्रसारण करना और हम आपके चैनल का प्रसारण करेंगे। तो दोस्तों आपको अभी इंडिया में भी रेडियो बेतार सुनाई देगा और बांग्लादेश में दोस्तों प्रसार भारती आपको सुनाई देगा। AMOU के अनुसार जो इन्होंने समझौता किया उसके अनुसार दोस्तों भारतीय कार्यक्रम बांग्लादेश रेडियो बेतार पर प्रसारित किए जाएंगे और इसी तरह ऑल इंडिया रेडियो पर बांग्लादेश रेडियो बेतार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। दोनों हमारे कार्यक्रम उधर प्रसारित होंगे, उनके कार्यक्रम हमारे पास प्रसारित होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग का 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 100 से अधिक देशों के 700 प्रतिनिधि शामिल होंगे। 100 से ज़्यादा देशों से दोस्तों लोग आएंगे और कम से लगभग 700 प्रतिनिधि इसमें शामिल होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, तो ध्यान रखना दोस्तों गृह मंत्री कौन है अपना, अमित शाह है, ने भारत की पहली साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट आशावस्त का शुभारंभ किया है। AASHVAST आशावस्त का शुभारंभ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट का शुभारंभ किया है। दोस्तों कहाँ पर किया है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात से दोस्तों इस यूनिट का उन्होंने शुभारंभ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई आशावस्त का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उन्होंने दो अन्य परियोजनाएं भी शुरू की है दोस्तों, वो है विश्वास और नेत्रंग भी उन्होंने इसमें योजना, मतलब तीन योजनाएं दोस्तों उन्होंने वापस शुभारंभ, तीन योजनाओं का उन्होंने वहाँ पर योजनाएं मान ली या परियोजनाएं, तीन का उन्होंने शुभारंभ किया है, आशावस्त, विश्वास और नेत्रंग। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, अब दोस्तों केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री कौन है, तो हो गया दोस्तों स्मृति ईरानी द्वारा हाल ही में महिला उद्यमिता के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताया है। दोस्तों हाल ही में स्मृति ईरानी ने महिला उद्यमिता के लिए एक योजना शुरू की है, उसका नाम दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो की PDF पाने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का चिन्ह है इसको ज़रूर दबाया, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।